हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है सीखने के प्रकार। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने सीखना क्या है कि उसकी परिभाषाओं, विशेषताओं, विधियों के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। एंड यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिए। तो जैसा कि सीखना क्या है, इसके बारे में आप जान ही गए होंगे कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, यानी कि अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं। सीखना जीवन में प्रयत्न चलने वाली सतत प्रक्रिया है जो जन्म के बाद से ही शुरू हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। यानी कि सीखने का तात्पर्य मात्र उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होते हैं, समानता इस प्रकार परिवर्तन का उद्देश्य जो है व्यक्ति को वातावरण में समायोजन करने में मदद करने से होता है। ठीक है। एंड सीखने की प्रक्रिया एक जटिल मानसिक क्रिया है। कैसी है? जटिल मानसिक क्रिया है जो सीखने वाले के स्वभाव, सीखे जाने वाले के कार्य की प्रकृति, समय की अवधि, उपस्थिति, परिस्थितियां, वातावरण, आयु, उसके स्वरूप आदि द्वारा नियंत्रित होती है, आदि सब प्रभावित करती हैं। तो आज हम जानेंगे सीखने के प्रकार। ठीक है, सीखने के प्रकार। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में सीखा था सीखने की विधियां कैसे करके सीख सकते हैं, करके, नेचर करके, परीक्षण करके, सम्मेलन, विचार गोष्ठी करके, प्रोजेक्ट विधि से सीख सकते हैं। ठीक। लेकिन आज बता रही हूँ कि सीखने के प्रकार। सीखने के प्रकार को तीन भागों में बांटा गया है। गत्यात्मक सीखना यानी मोटर लर्निंग, शाब्दिक वाचिक सीखना, शाब्दिक या वाचिक सीखना यानी कि वर्बल लर्निंग। तीसरा है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। तो सीखने के तीन प्रकार हैं, तीन प्रकार से सीखा जा सकता है। ठीक है। तो पहला है गत्यात्मक सीखना यानी मोटर लर्निंग। इसके अंतर्गत क्रियाओं की स्वरूप और गति पर ध्यान दिया जाता है। मोटर लर्निंग में यानी गत्यात्मक सीखना में किस पर ध्यान दिया जाता है? क्रियाओं की स्वरूप व गति पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि साइकिल चलाना, गिटार बजाना। ठीक है। इसमें गत्यात्मक यानी मोटर लर्निंग, मोटर का मतलब होता है गति। ठीक है। तो गत्यात्मक या मोटर लर्निंग में स्वरूप और गति पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि साइकिल चलाना, गिटार बजाना। ठीक है। जैसे कि हम इस गत्यात्मक सीखना या मोटर लर्निंग को हम इसे सदैव अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि अन्य प्रकार के सीखने में भी इसका योगदान रहता है। यानी मोटर लर्निंग का को हम अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि ये सबसे जुड़ा होता है, क्योंकि अन्य प्रकार के जो सीखना होता है उसमें इसका योगदान महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं शाब्दिक। दूसरा है शाब्दिक या वाचिक यानी कि वर्बल लर्निंग, जिसे इंग्लिश में वर्बल लर्निंग बोला जाता है। जैसा कि दोस्तों, पशुओं में जो है मुख्य रूप से गत्यात्मक सीखना ज्यादा प्रमुख होता है, जैसे कि जो मोटर लर्निंग होता है गत्यात्मक सीखना, वो पशुओं में ज्यादा होता है। एंड मनुष्य में जो है वाचिक अधिगम की प्रमुखता होती है, वाचिक यानी कि वर्बल लर्निंग की प्रमुखता होती है, यानी कि मनुष्य जो है वो संकेतों, चित्रों, अंकों के माध्यम से सीखता है। ठीक है। इसमें वाचिक यानी शाब्दिक यानी वर्बल लर्निंग में क्या क्या आता है? संकेतों, चित्रों, शब्दों, संकेतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, अंकों के माध्यम से जिसमें सीखा जाता है उसको वर्बल लर्निंग बोला जाता है। इसमें सार्थक और निरर्थक दोनों ही प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यह हुआ आपका वाचिक सीखना या शाब्दिक सीखना या वर्बल लर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत इसमें सीखने के प्रयोग को बहुत सी प्रतिक्रियाओं में से सही प्रतिक्रिया को चुनना होता है। ठीक। बहुत सारे प्रतिक्रिया होती है, तो उसमें से आप प्रयोग करके, अभ्यास करके, प्रयत्न करके, भूल करके, अंतर्दृष्टि लगा करके, अपने दिमाग लगा करके उसमें सही प्रक्रिया को चुनना होता है। ठीक है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि सीखने के प्रयोग को बहुत सी प्रतिक्रियाओं में से सही प्रतिक्रिया को चुनना होता है। ठीक है। इसमें अभ्यास, प्रयत्न, भूल तथा अंतर्दृष्टि आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है। समस्या समाधान में क्या होता है? प्रयोग, अभ्यास, प्रयत्न, भूल तथा अंतर्दृष्टि आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो दोस्तों, ये है सीखने के प्रकार के तीन प्रकार, मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और तीनों के प्रकार के बारे में हम अच्छे से समझ गए होंगे। तो गत्यात्मक में स्वरूप गति पर ध्यान दिया जाता है क्रियाओं के, जैसे साइकिल चलाना, गिटार बजाना,
एंड शाब्दिक वाचिक सीखना में मनुष्य में यह अधिक पाया जाता है, जबकि पशुओं में गत्यात्मक सीखना मोटर लर्निंग का अधिक पाया जाता है। और मनुष्य में वाचिक अधिगम की अधिकता होती है, वाचिक अधिगम में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों के माध्यम से सीखना होता है। सार्थक नियतक दोनों ही प्रकार की सामग्री का प्रयोग होता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको पता ही है कि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसमें से सही प्रतिक्रिया को चुनना होता है। किसके आधार पर? इसमें प्रयोग, अभ्यास, प्रयत्न, भूल, अंतर्दृष्टि आदि के आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रयोग करके, अभ्यास करके, प्रयत्न करके, भूल करके, अंतर्दृष्टि आदि का प्रयोग करके इसमें सीखना होता है। तो तीनों के बातों का अच्छे समझ लीजिए, किसी प्रकार क्वेश्चन आए तो आप अटके नहीं। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको मन में कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताइए। एंड पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हमारा सीखने का वक्र होगा, यानी कि सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं, जो ऋणात्मक वक्र, धनात्मक वक्र और मिश्रित वक्र, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन जो सीखने के वक्र होते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।